हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट श्रील गौर गोविंद महाराज भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील परमार्थी महाराज, हाँ सभी के चरण में मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। श्री कहते श्री अनंग मोहिनी दीदी और मदन मोहन, हाँ आज इन्होंने अपना घर में सब भक्तों को बुलाए, बोले घर में हरि कथा हो, घर में हरि कीर्तन हो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। जिस दिन घर में भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो, घर में हरि का नाम हो, भक्त विनोद ठाकुर कहते हो घर नहीं गृह ते गोलोक भाई, वो जो घर है वो घर में ही ये गोलोक वृंदावन प्रकट हो गया है, हैं? ये घर भगवान की धाम बन गया है। लेकिन अभी दुर्भाग्य का विषय है, घर में लोग साधु संत को नहीं बुलाते, घर में अभी भक्त लोग नहीं आते। जितने जुआरी और जितने शरापी और घर में जितने मांस खाने वालों को घर में बुलाएंगे और बड़े जोर जबरदस्ती पार्टी करेंगे, डिस्को डांस के ऊपर नाचेंगे, हैं डीजे लगा करके नाचेंगे, लेकिन भगवान का कीर्तन कथा नहीं होगी। और जुआरी गंजड़ी भंगेड़ी और सबके सब शरापियों को घर में स्थान देते हैं, लेकिन घरों को भक्तों को घर में नहीं बुलाते। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, हैं शंकर जी कहते पार्वती, जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय होता है, भागवत में बताए भवा अपभर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहीर अच्युत सत समागम और सत समागम जहीर परावरे से जाए तो रति। कहते भागवत में श्री मुकुंद कहते मुचुकुंद महाराज ये श्लोक को कह रहे हैं, कहते जीवन में ये साधु संग कब मिलेगा, साधु संग बोले भवा अपवर्ग भ्रमेत, हम अनादिकाल से भगवान से बिछड़ करके 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जोनि में हम भटक रहे। इसलिए कहते हैं ये साधु संग कब मिलता है, बोले जब ये संसार का सारे दुख कष्ट अभी खत्म हो गया हमारे, हमको ये संसार का दुख कष्ट में और पढ़ना नहीं, अभी हमारी समय हो गया है भगवान को पास में जाने का, जीवन का सारे दुख कष्ट समाप्त, बोले तहीर अच्युत सत समागम, तब भी जीवन में भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है। बोले सत समागम जहीर, जब घर में सत्संग मिल जाए, बोले परा बरे से जाए तोई रति, हैं जैसे संग वैसे रहेंगे। सत्संग से क्या होता है, बोले मत कथा मत गता चिंता बोधयंती परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रवंती च। भक्त लोग क्या करते हैं, कोई दुनियादारी की बात करते नहीं, हरी चर्चा हरी कथा में ही जीवन को बिताते हैं। जब साधु संग मिलेगा हरी कथा होगी, हरी कथा होगी और हमें अपना आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आत्मज्ञान जब प्राप्त होगा हम कौन पता चलेगा, फिर क्या करेगा, अरे भगवान की भजन करेगा, अरे भगवान की भक्ति करेगा तो क्या होगा, बोले भजित भजित कृष्ण पाद पद्म पाई जी, फिर अपना घर में वापस चले जाता है, बैक टू गॉड है, अपना धाम में चले जाते हैं। इसलिए आज हम लोगों का बड़ी अच्छा दिन है, जब हमें यहाँ पर हरि कथा और हरि कीर्तन हमें सुनने के लिए जगत में मिल रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जगत में दो चीज दुर्लभ है, कहते एक संतों का संग और दूसरी हरि कथा, लेकिन आज देखो हमें वो दो चीज मिला हुआ, ये दो चीज मिला हुआ कि नहीं, संतों का संग भी मिल रहा है और हरि की कथा भी मिल रहा है, मतलब हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। ताली बजाओ सबके लिए, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं सूत दारा और बीत पापी को भी हो, रुपया पैसा धन दौलत ये सभी पापियों के पास में भी होती है, लेकिन भगवान की जो कथा हरि कथा
बड़े किस्मत वालों को ये जीवन मिलता है। इसलिए भागवत में जो भगवान कथा को ना सब अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है। इसलिए भगवान श्री कपिल देव अपना माता देहूती को क्या कहे थे, बोले माँ कहती जो कथा है ये कथा नहीं, ये रसायन है। कहती रसायन इसको बताए, कृतकर्ण रसायन कथा। रसायन किसको कहते हैं, कहते 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन से ये रसायन बनता है। इसको पान करने से शरीर का जितने बीमारी है वो सारे बीमारी शरीर का खत्म हो जाती है, इसको रसायन कहते हैं। हैं? लेकिन साधारण रसायन टेस्ट तो शरीर का बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन भागवत कथा रूपी रसायन को पान करने से उसको जरा क्या होता, बोले हृत कर्ण रसायन कथा ताजो सना आंसू अपवर्ग वर्तमनी। इसलिए कहता अगर हरि कथा रूपी रसायन को कोई पान करे ना उसको क्या होगा, बोले जितने दुख कष्ट से हम चिरकाल के लिए निवृत्त होकर के भगवान को पास में पहुंच जाएंगे। इसलिए कहता आयुर्वेदिक मेडिसिन में 3 तरह का वहां पर बताए ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट वो 3 तरह का है। कहते एक क्या काष्टम क्या औषध है, और एक क्या बताए वहां पर जो भस्म से बनता है ये के है। ऐसे 3 तरह का वहां पर ट्रीटमेंट, वहां पर 3 तरह का ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति के देखो, यहाँ पर ट्रीटमेंट देखो कैसे है। कहते एक राजा था, और राजा की कोई बीमारी हो गया, बीमारी हो गया तो राजा ने बोले देखो मेरे बीमारी, उसको बहुत दिन से नींद नहीं आ रही थी, बहुत दिन से उसको नींद नहीं आ रही। राजा ने बोला मेरे को जो नींद ला देगा ना मेरा आधा राज्य उसको दे दूंगा। क्योंकि आप एक दिन देखना, एक दिन अगर नींद नहीं आई ना क्या होते हैं, बोलो दिन भर झूमते रहोगे, शरीर में अलसता आएगी, सर दर्द हो जाएगी, हो जाती कि नहीं, तुम्हारी ज्यादा हो जाती है। इसलिए एक दिन अगर नींद नहीं आएगी आप देखना क्या होता है शरीर में है। राजा को कितने दिन से नींद नहीं आ रही। इसलिए राजा बोले जो मेरे को नींद ला देगा ना उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा है। लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश की उसको नींद दिलाने के लिए, लेकिन किसी तरह से है। बोले देखो ऐसे करना, ऐसे मेडिसिन हो हमें कुछ जैसे खाना पीना नहीं पड़े, अपने आप जैसे नींद आनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई दवा मेरे को दे तभी कि कभी कोई मेरे को क्या होगा तभी ये नींद आए, नहीं बिना दवा कैसे मेरे को सही करना पड़ेगा। एक संत बोले आपको मैं दिला दूंगा, नींद दिला दूंगा आपको है। तब उन्होंने क्या किया, एक मेडिसिन बनाया जिसमें बड़े सुंदर है खुशबूदार कोई चीज, देखिए मेडिसिन बनाया, कहते तो घर में वो चीज रख लो तो इसको जो सुगंध से ना वो नींद आ जाएगी, वो सुगंध से नींद आ जाएगी। इसलिए उन्होंने जब उसको घर में रखा उसको इतने सुंदर सुगंध आया, राजा बड़े दिन से सोया नहीं था लेकिन उसको सुगंध से इतना नींद आया ना कितना दिन तक सोते रहा। अब जरा नींद सही आ जाए ना शरीर एकदम चुस्ती हो जाती है। उन्होंने बोला भैया क्या तुमने मेडिसिन दिया, अभी तक मैंने बहुत सारी मेडिसिन हाँ किया लेकिन सही नहीं हुआ, पता नहीं तुमने क्या मेडिसिन दिया, बढ़िया नींद आ गई। देखो ये कथा को देखो, ये कथा कैसे मेडिसिन का काम करता है। ये जो कथा इसको क्या कर रहे हैं, कथा को हम रसायन कथा बताए ना, इसके लिए कोई डायरेक्ट चीज ले रहे भाई, केवल कथा ही सुन रहे हैं, केवल कथा ही सुन रहे हैं, श्रोता कहाँ कहाँ बैठे हुए। लेकिन ये जो शब्द रूपी जो रसायन है, कथा रूपी जो रसायन है, बिना दवा के बिना पैसा के और बिना मेडिसिन के अपने आप क्या होता है, भवरोग हमारी खत्म हो जाती है, भवरोग खत्म हो जाती है केवल कथा सुनते ही। कोई मेडिसिन केवल कथा ही, शब्द ब्रह्म है, कान में प्रवेश करते ही अपने आप ट्रीटमेंट हो जाता है, है? इसलिए यहाँ पर बोले कथा नहीं ये रसायन है, भगवान कथा को रसायन बताया। और सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कथा, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी कहती है कथा नहीं ये कल्प वृक्ष है, ये निगम कल्प तरूर इसको कल्प वृक्ष बताया। बोले कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, बोले जिस वृक्ष को नीचे बैठो समस्त इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी, सारी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इसलिए ये भगवान की कथा नहीं, कहती ये कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरूर गलितम फलम। ये जो भगवान की कथा, ये
ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, ये पका हुआ फल है। फिर एक तो पका हुआ फल है ही है, बोले सुख मुखात अमृत दर्भ सज्जितम। फिर जब ये कथा श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंदे से जब कथा निकली है ना, कहते तो उसमें और भी विशेष स्वाद आ गया, उसमें और भी ज्यादा उसमें मिष्टता आ गया। बोले क्यों, कारण किया, उसका दो तीन कारण बताया। पहले कहते एक तो पका हुआ फल, शास्त्र में बताया ये जो तोता है ना, इसके अंदर में एक विशेष गुण है। बोले क्या विशेष गुण, कहते वो किसी कच्चा फल में वो चोंच नहीं मारता है, इसलिए वो केवल पका हुआ फल में ही चोंच मारता है। इसका मतलब है ये जो भागवत कथा है वह भगवान की जो कथा है ये मीठा पूरा के पूरा, नहीं तो वो चोंच नहीं मारता। उसको पता है ना पक्का कौन और कच्चा कौन है, मतलब ये भागवत पूरा पका हुआ फल। और दूसरा बात बताए सुख मुखात, एक कहावत है जिस फल में कोई तोता ने मुंह मार देना, कहते भैया उसमें ज्यादा सा मिठास आ जाती है। ये तोता में एक गुण, कहीं भी वो चोंच मार देगा तो उसमें ज्यादा मिठास उसमें अपने आप आ जाएगा। वैसे भगवान की कथा तो मीठा है ही है, लेकिन ये कथा जब श्री सुखदेव गोस्वामी का मुंह से निकली और भी उसमें मिठास आ गई। तब कहते भैया कारण क्या है, क्यों ज्यादा मिठास आ गई, कहते जो सुखदेव गोस्वामी हैं, कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं, राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले और स्वयं राधा रानी जिनको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, और राधा कृष्ण की जितने सारे लीला हैं, उनका जितने निकुंज लीला है जिसने दर्शन किया है, इसलिए किसी साधारण व्यक्ति से तथा सुनो कितने मीठा लगता है। लेकिन अगर कोई राधा रानी की कोई सखी अगर कथा सुनाएगी, आप बताओ उसमें कितना मिठास नहीं होगा, उसमें कितना मिठास नहीं होगा। इसलिए कहते सुखदेव गोस्वामी नहीं राधा रानी की ये सुख पाखी है, तोता है। अब तीसरी कारण बताए, कहते ये कभी कभी राधा रानी क्या करती थी, इसको कृष्ण रूप मान करके कभी कभी चुंबन करती थी राधा रानी। चुंबन करने पर राधा रानी की जो अधरा मृत है ना, ये सुखदेव गोस्वामी थोंट में राधा जी की अधरा मृत लगा हुआ है, इसलिए अधरा मृत होने का नाते वहां पर कितने सारे ऋषि मुनि लोग थे, बड़े बड़े 100-500 साल जटा जुटाधारी है, लेकिन कथा सुने तो किससे कथा सुने, सबसे छोटा किससे, कम उम्र के श्री सुखदेव गोस्वामी से ही कथा सुने। बोले कारण क्या है, बोले जिनकी अधर में राधा रानी की अधरा मृत लगा हुआ है इसलिए वहां से कथा सुन। इसलिए बोले सुख मुखात, इसलिए कथा कहां से सुननी चाहिए, तब कहते जहां तहां कथा नहीं सुननी चाहिए, जहां तहां कथा नहीं, वो पंचमी सुख मुखात ये पंचमी, किससे कथा सुननी चाहिए, कथा में ज्यादा स्वाद क्यों आया। बोले कारण है ये फल को सबसे पहले किसी ने खाए, बोले भगवान कृष्ण ने खाए नारायण, फिर वो कथा फिर किसको दिए, बोले ब्रह्मा जी को दिए आदि गुरु ब्रह्मा, फिर उसको ब्रह्मा जी खाए, फिर ब्रह्मा जी खा कर फिर किसको दिए, बोले नारद जी को दिए, नारद जी को दिए, फिर नारद जी खा कर किसको दिया है, बोले श्री व्यास देव को दिए, फिर व्यास देव ने खा कर किसको दिए है, अरे बोलो किसको दिए, व्यास देव ने मध्वाचार्य को दिए। फिर वो फल धीरे धीरे आते आते माधवेंद्रपुरी के पास में जब आया ना, बास करते प्रेम तो अंकुर प्रकट हो गया। ये माधवेंद्रपुरी को कहते हैं ये जो महाप्रभु जो प्रेम देने आए थे, ब्रज प्रेम को देने आए थे, कहते यहाँ जो शुरुआत है श्री माधवेंद्रपुरी से। बोले क्यों, बोले ऐसे एक श्लोक है हार हे नाथ हे मथुरा नाथ कदाप लक्षसी, जो श्लोक है कहते पृथ्वी में केवल तीन लोग ये श्लोक का आस्वादन किया है, कहते चौथा व्यक्ति इसको आस्वादन करने को सुना ही नहीं पड़ता है। बोले ये श्लोक को कौन आस्वादन किया, बोले पहला नंबर राधा रानी, दूसरा नंबर कौन है, बोले श्री माधवेंद्रपुरी,
बोले तीसरा नंबर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते ये श्लोक हो क्योंकि राधा रानी कृष्ण विरह में ये श्लोकों को बोल रही हो, इसलिए ये तीन व्यक्ति ये श्लोकों को रसास्वादन किया, इसलिए श्री माधवेंद्र गुरु को कहते हैं ये प्रेम के अंकुर जहां से प्रकट हुआ है, प्रेम अंकुर है। फिर जब माधवेंद्र गुरु को पास में आया बास और ज्यादा मीठा आ गया, मतलब क्या है, क्योंकि राधा जी की जो दासी बन करके जो मंजरी रस में जो उपासना है कहते ये यहीं से शुरू हुआ है। खैर उन्होंने रस किसको दिए, बोले ईश्वरपुरी को। खैर ईश्वरपुरी बात किसको दिए, बोले महाप्रभु को। खैर नीचे आ रहा है ना, और जो जितना नीचे आता है ना, देखो ये जगत में ऐसी भी चीज है, अगर कोई फल है अगर आप खाओ खत्म हो जाएगा ना, अगर दूसरा व्यक्ति पास में तीसरा व्यक्ति खत्म हो जाएगी और रहेगा नहीं, लेकिन ये ऐसे के फल है वो जितने नीचे आएगा ना उतना बढ़ती जाएगा और उसमें ज्यादा रस आता जाएगा, ज्यादा रस आता जाएगा। इसलिए आते आते पहले श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास में आए, फिर श्री जीव गोस्वामी के पास में आए, जितना आए उतना बढ़ते जा रहे और सभी के अग्रामृत लगते जा रहे। और नीचे आते आते कहते श्री किसको पास में आए, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण प्रभु, उसको बाद में प्रभुपाद के पास में आए। ए प्रभुपाद के पास में आए तो और ज्यादा मिठास हो गई, लेकिन प्रभुपाद के बाद में फिर किसको पास में आए, बोले भक्ति प्रज्ञान से केशव गोस्वामी महाराज के पास में आए, फिर और ज्यादा मीठा हो गया। फिर उसको जो नीचे आए फिर किसको बाद में आए, बोले श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के पास में आए, भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज के पास में आए। फिर नीचे जब आए ना और भी ज्यादा आए, श्री गौरव गोविंद गोस्वामी महाराज के पास में आए। हैं इनको जितने नीचे आते जा रहे ना और उसमें ज्यादा मिठास आ रही, और सबसे जो नीचे जिसको मिला है ना सबसे ज्यादा उसको मिला, सबसे जो सबसे जितना नीचे आए उसको ज्यादा ही रस उनको ज्यादा ही मिलता है। ये ऐसे एक ये दिव्य फल है, नीचे आए तक कमी घटेगा नहीं बढ़ेगा है। इसलिए यहाँ पर कहते सुख मुखात अमृतम, जो सुख मुख से जब निकली ये कथा उसमें और भी ज्यादा अमृत आ गया। और चतुर्थ कारण कहते हैं गुरु परंपरा के बगैर ये रस को कोई आस्वादन नहीं कर सकते हैं। गुरु परंपरा से बाहर व्यक्ति ये रस को आस्वादन नहीं कर सकते, कोई आस्वादन कर सकते जो गुरु परंपरा से जो आए हैं। इसलिए बोले सुखम घात अमृत द्रव संजुतम, बोले पी बताओ क्या कर, उसको खूब पियो, उसको पियो खूब, छोड़ना नहीं, पियो क्या करो पियो। लेकिन पहले बोले आप कैसे कहते तो पीते के लिए, पीने के लिए कैसे बताए, आप तो पहले बोल दिया ये फल है, अब बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो, आप बोलो खाते हो ना पीते हो, खाते हो ना, बोले इसको पियो, बोले ये ऐसे एक फल है जिसमें छिलका भी नहीं जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं जिसमें गुठली नहीं, जिसमें रस ही रस है। और ये ऐसे एक रस है ऐसे जैसे कोई रस है, आप बताओ रस को किधर से पीते हैं, आप बताओ कैसे, मुंह से पीते हैं ना, लेकिन अभी जो रस को पान कर रहे हो किधर से पी रहे हो, खाने से पी रहे हो, इसलिए ये रस को मुंह से नहीं पी जाती, ये रस को कानों से पी जाती। और देखो ध्यान देकर सुनो, कानों में पीने का मुंह में पीने का फर्क क्या है, अगर कोई चीज आप मुंह में पियोगे ना रख नहीं सकते, रख सकते हो अंदर में वो निकलेगा ही, जो कुछ खाओगे सवेरे सब निकल जाएगा सब, हाँ उसको अंदर में रख नहीं सकते जो मुंह में खाओगे, लेकिन अगर जो चीज को कानों से पीते हैं वो फिर निकलता है, अब निकलेगा वो निकलने वाले नहीं, वो अंदर में टिकेगा। इसलिए कहते भैया रस को मुंह से मत पिया करो, कैसे पियो, इसलिए बोले तस्मीन महान मुखरित मधुभीष चरित ताजे पिबत निपगार करने। देखो ये कान कैसे बना, जैसे कोई चीज को कटोरी धोड़े में पीते है ना, कोई चीज की चीज धोड़े से, देखो ये कान है एक दोड़ा जैसे बना हुआ, दोड़ा जैसे बना हुआ ना, कहती ये दोड़े से भगवान पहले ही दोड़ा जैसे बना कर रखी, इसलिए कान रूपी दोड़े में क्या करो खूब भर भर करके पियो, ये रस को खूब भर भर कर पियो और पी पी करके अंदर में स्टक कर दो, स्टक करके और बोतल मुंह का बंद कर दो, कोई बोतल होता है ना वो बोतल को टीवी को बंद कर दो, लेकिन जब फिर जरूरत पड़ेगी ना फिर खोलो खड़ा पियो,
खैर खोलो उसको पियो है, खोल दे खोल कर पियो इसको, इसलिए कहते हैं पी बतम। कहते भैया कब तक पिएंगे, बोले रसा लयम। कहते पी पी करके जब तक बेहोश नहीं हो जाते, एक शराब क्या करता है कब तक पीता है, जब तक पी पी करके ना जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता तब तक पीता रहता है, लेकिन जब फिर उठता है ना फिर पीता है, फिर उठकर फिर पीता है। इसलिए यहाँ पर कहते मुहूर रहो भैया, ये रस को छोड़ना नहीं, पीते रहो इसको। बोले कब तक, बोले आ लयम। आ लयम मतलब जब तक पी पी करके बेहोश नहीं तब तक पियो। कहते भैया पीते तो है लेकिन निकल जाती है, वो रहती नहीं अंदर है, इस कान में सुनते दूसरे कान में निकल जाती है, हाँ वो तो रुकती नहीं, वो निकल जाती है इधर पी करके निकल जाती। फिर क्या करनी चाहिए, एक उदाहरण देकर बताए। अब से एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना। जैसे घड़ा है, घड़ा में छेद ही छेद है, पूरा छेद ही छेद है घड़ा में, जैसे कोई चीज उसमें डालो क्या होगा, निकल जाएगा। आप बताओ ऐसे कौन सा ऐसे पात्र है, भले ही जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें कोई चीज डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगी, एक बूंद नहीं, पूरा का पूरा रहेगा, भले ही जितना छेद क्यों उसमें नहीं हो वो पूरा का पूरा रहेगा। अब बताओ तो ऐसे कौन सा क्या चीज है, बोला बोला का तो नहीं पता, बट वो घड़ा पानी के अंदर दो ना, तो भरा ही रहेगा। ये माता जी के लिए ताली बजाओ, पहले सुना होगा याद है। इसलिए इसलिए इसमें एक बात बताए कि ये समझने का बात है, भले ही घड़ा में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर वो घड़ा अगर पानी में डूबा रहेगा ना फिर निकलेगा, क्यों वो तो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है ही है, वो निकलेगा कहां, तो डूबा हुआ है। हाँ इसका मतलब तो मुहु रहो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुहु रहो, मतलब हर समय अगर कथा रस में हम डूबे रहेंगे तो भले ही जितने छेद क्यों निकलेंगे निकलेगा। इसका प्रमाण देख लो, हाँ देखो इसका प्रमाण देखो, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, मतलब कथा रूपी घड़ा में डूबे हुए हैं, सभी के हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, सभी का हृदय में काम क्रोध लोभ सभी का हृदय में है, लेकिन होने पर भी आप देख लेना जब तक तो कथा रस में डूबे हुए रहेंगे ना, हमें कोई काम सता रहे हैं ना, क्रोध क्रोध सता रहा है ना, लोभ सता रहा है ना, मोह कोई सता रहा है, कोई चीज याद है अभी हमें, कोई चीज याद नहीं, यद्यपि हम सबके अंदर में काम क्रोध है। हाँ इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं काम क्रोध साधक करे, कहते जो काम क्रोध है साधक का कुछ नहीं कर सकता, अगर जीवन में हमें साधु संग मिले, हर समय हम भगवान की कथा रस में डूबे रहे, हर समय भले ही ये काम क्रोध तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर समय मंदिर में कृष्ण कथा भी जो अग्नि हर समय प्रज्वलित होते रहे, हर समय जलते रहे, मतलब हर समय कथा रस में डूबे रहो, डूबे रहेंगे तो भैया ये काम क्रोध हमारे कुछ भी कर नहीं सकते। बोले भैया आ लयम, इसलिए मुहु रहो। बोले भैया रस को कौन पी सकता है, बोले केवल दो व्यक्ति पी सकते हैं, दो व्यक्ति। बोले कौन, बोले एक रसिक और एक भावुक। कहते एक रसिक और जो भावुक है, कृष्ण भक्ति में जो डूबा हुआ व्यक्ति हो, कृष्ण रस में जो सराबर हुए व्यक्ति भावुक और रसिक, कहती केवल ये दो व्यक्ति ये कथा रस को पान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताए भैया ये रस को पान कौन किया, रस है क्या चीज, वो तो रस क्या है, हैं? कहते ये और उसमें जैसे कल्प वृक्ष फल वृक्ष है, लेकिन उसमें फल क्या है, उसमें क्या फल है, कहते उसमें जो फल है ये गोपियों का प्रेम ही वो फल है, मतलब भागवत का सार क्या है, ये गोपियों का प्रेम ही ये भागवत का सार है। बोले भैया उसमें रस किया है, फल हो गया गोपी प्रेम, बोले उसमें रस किया है, बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम रस ही ये रस है राधा कृष्ण की। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर,
जीवने मारने गति आर नानी मोर काली दीर खोले केली कद फेर बाना रतना बेदीरा ऊपर बसा बजुजाना श्याम गौरी अंगे विवसुआ चंदनी रघास कमर गुलाब कवि हरि मोख चंद्र गतिया मलती माला शिव दुहार करे अधारे तुलिया जीव कर पूरा तबो राधा कृष्ण का प्रेम ही रस रस है और जो रस है कृष्ण का अधरा मृत ही रस है। बोले भैया रस को कौन पान करने, फिर पान कौन करने वाले? बोले यद्यपि वो रस को सब पान किया है लेकिन वो उसको जो पान विशेष रूप में किया है ना, बोले ब्रज की गोपियों ने ही पूर्ण रूप में रस का आस्वादन किया। कोई बोल कोई प्रमाण है? कहते इसका कोई प्रमाण है? कहते ना निगम कल्प तरूर गलितम फलम। कहते ये जो भागवत बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं ये वेद का एक एक जो मंत्र है, वेद का जो एक एक जो ऋचा मंत्र है, इन लोगों ने कठोर तपस्या की हैं, कठोर तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न हुए बोले बरमागो, बोले हे प्रभु जैसे गोपियां जैसे आपको भक्ति करती है सेवा करती है, हम भी ऐसे भक्ति करना चाहते हैं। भगवान बोलिए ये नहीं हो सकता, और कोई चीज मांगो। बोले नहीं हमें तो यही चीज चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। बोले ठीक है काम करो, तुम सबके सब जो वेद का जो एक एक जो मंत्र है ना, तुम सबके सब एक एक गोपी मूर्ति धारण करो और गोपी मूर्ति धारण करते हुए तपस्या करो, फिर तुम लोग गोपी बन करके आओ, फिर अधरा मृत को फिर पान कर सकते हो। कृष्ण के अधरा मृत को गोपियां तो पान करती है ना, इसलिए अधरा मृत ही रस है और इसको पान कौन करते हैं? ये वेद का एक एक मंत्र ही वो सबके सब गोपी बन करके पान किया। इसलिए कहते यद्यपि ये रस का सबके सब पान किया है लेकिन ये गोपियों ने जैसे रस को पान किया और कोई ये रस को पान नहीं किया। निताय गौर प्रेमानंद बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सुन लेंगे, जगन्नाथ जी कथा। हमारे बीच में श्री परमार्थ महाराज, हाँ महाराज भी थोड़ी सी कथा सुनाए। महाराज जी हरि बोल हरे कृष्ण। Shilabhakti Pragyan Keshi Goswami Maharaj, Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, and to Param Pujipad Bhaktivedanta Shridhar Maharaj,
Matribinda, lots of Vaishnavis, humble obeisances. Maharaj has ordered me to say a few words on the subject of the Jagannath Rath Yatra festival, which is coming in just several days. Excuse me, I have to speak in Angrezi Bhasa. Jagannath is coming. Recently we had a very beautiful Snan Yatra. Jagannathi takes his bath every year, public bath, is his appearance day. And Jagannath has come on the request of Indradyumna Maharaj. And more than that, on the longing of the gopis of Vrindavan and the longing of Krishna to reunite after long separation, he comes to Vrindavan. And when they have an eye-to-eye union after long separation, then Jagannath's form is manifest. This Radha Vihara Vidur, this separation, exhibiting great separation from Radharani. So Radharani is very much in separation, missing Krishna, and Krishna is always missing Radharani. And he's in Dwarka. He's established 16,808 wives. So many, each wife has 10 sons and one daughter. And he's very established as a great Samrat Vijay. He's the ruler of the earth, and he's dealt so much justice to so many demons who are causing so much trouble. But still, even though Krishna is very well satisfied, he's feeling so much of distress within his heart. At night he's sleeping, he's resting in his palace, and he's simply calling out, Ha Radhe, Ha Radhe, Ha Gopi, Ha Gopi, Ha Gopi. And he's missing his very dear associates. So in the same way, after long separation, Krishna's gone to Dwarka, and the Brajavasis remain in Vrindavan, because there's no way they will leave Vrindavan, because Vrindavan is their heart. They know that Krishna is always in Vrindavan, but he may not be directly manifest there, but into their vision. But within the hearts, Krishna's at the heart of all the gopis, and the gopis are only lamenting to have separated, to cure themselves of that separation. So the time is coming for the very auspicious solar eclipse, and Vasudeva Maharaj and all his retinue, they decide to go to Kurukshetra, to the place of the great Kunda Brahma and Parashuram, to perform sacrifice. And the Brajabasis hear of this also, and they all also decide to go and take a bath at this auspicious time and get so much of benefit. Because when there's eclipses on, one should perform religious activities to offset any of the negative effects of the eclipse. So they decide to go there, and after long separation, Radharani and Brajabasis and the gopis, they regard themselves as a chance to meet with Krishna. Of course, we know that they take the journey there, but when the Brajabasis arrive, they are they see that the tent of Krishna is set up, it's very well established, and Vasudeva Maharaj is doing a big yajna, Vishvapurnam Sukhayate Yajna. He's trying to establish himself and bring blessing to the world and make peace for the rule of the Yadu dynasty. And Krishna is there, they're getting full support from Krishna. And then what happens is that when Maharaj is just about to complete the yajna, all the rishis are there, Vyasadeva is there, and Narada Muni is there, very important. Sanjaya Rishi, so many powerful rishis are there with the Maharaj Vasudev. And just as the Brajabasis arrive, the people at the gate, they say, you cannot enter. Sri Krishna, he's the king, he's doing important work in there, and you cannot come in. You have to stay outside. You don't have an invitation. We don't know who you are. We don't know what you come from. And then the devotees who look forward, Nanda Baba Yashoda Maya, they look forward to see Krishna for so long. They're very, very heartbroken, crestfallen. And Mother Yashoda was staying in Vrindavan for so many years, and she was simply crying, crying, crying. Nothing was being done in Braj, no cooking was being done. Spider webs were growing all over the palace, all over the cooking pots. They were just barely existing, and simply crying. She was crying so much she became blind with tears. And she collected the toys that Krishna would play with, and she kept them there. And the separation was unbearable. So when she got to the gate, she thought, after a long time, I may see my Kanaya, my darling a boy. And when she was stopped, it was like a thunderbolt in her life. So what she could do, she could only say, Kanaya, Kanaya, Krishna, Krishna, she was calling.
Kanaya, Kanaya, where is my Krishna? And from a great distance, Krishna in the middle of the yagya, just about to perform the final ahuti and complete the yagya and make a perfect offering, he could hear in the distance his mother calling. Who is that calling? That is my mother. He said, oh, ma, ma, ma. Krishna immediately drops, leaves the yagya. He goes to the gate and meets his mother and father. And then the other members of the Yadav dynasty, they follow. And all they can do is Krishna falls at the feet of his mother. And Krishna embraces, his mother embraces him. And after long separation, they meet. And while this is going on, and then the Vrajavasis, Vasudeva and his entourage, Rohini, and Devaki, they meet Yashoda and they praise her for such a kind service they did looking after their children as their foster parents. But Mahaprabhu is singing in front of their rath cap, Jayati Jana Nivaso Devaki Janma Vado Yadavara Padisha Svergabhira Sharadamam Siracharavigana Ganashishmita Srimukhena Prajapura Vanitanam Varadiyam Kamadevam Jayati Jana Nivaso. That Krishna is the ultimate resort of all living entities, Devaki Vadmavaro, Jamavaro. But it's a theory. Those who think that Krishna was born from the womb of Devaki, they're only speculating. They don't understand that Mother Yashoda is the real mother, the birth mother of Krishna, and Krishna has such deep, intense affection for her. And all the pastimes that were done in Vrindavan were demonstrating this. And so this is the cause of the Rath Yatra festival. So after the Vrajavasis and Mother Yashoda and Nanda Baba, they again meet with the baby, Krishna. The gopis have to wait some time. And then Radharani, of course, they don't feel comfortable. After some days, they can have a meeting with Krishna in a tent, in a big situation. But still, it's not suitable. It's not private. It's not that perfect. And in the heart of the gopis, they want to simply bring Krishna back to Vrindavan. She says, only after a long time, I've come here. And that I'm still not satisfied. And then Mahaprabhu, he's singing in front of the Rath cart. He's singing, Yakumara Harasa Eva Hivarasta Eva Chaito Shapas Te Komilita Malati Surabaya Proda Karamba Banila Sa Chavasmi Tatapi Tatra Surata Yaparali Lavido Revarudasi Vetasi Taruchita Samurkantate. This is just a mundane love poem written in a book called the Sahita Darpana. And it means that very personality, the wife, the lover, the beloved, is she's saying that very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. And these are the same moonlit nights and the month of the Chetra and the fragrant of the Malati flower and the same sweet breezes they're blowing from the Kadamba forest. I am that same lover, yet my mind is not happy to see you here. I am eager to return to the Reva under the same Vatasi tree. That Vatasi is like a bamboo. Gurudev says it bends in the wind and it bends in a storm, even in a flood, it doesn't get uprooted. But it's always very permanent. He said our bhakti should be like that. So in the same way, Mahaprabhu is singing this song again and again, and he's explaining Radharani's mood, her separation. There are three Radharanis, Rishabhanu Nandini, Radharani, Vinayogini Radharani, and Samyogini Radharani. And Vinayogini is in Uddhav Kyari, experiencing so much separation, her body's burning. Gopis, Lalita Vishakha, trying to comfort her. They're putting so many lotus stems under her body and flowers to relieve the heat of her body, rubbing sandalwood on her body. But those lotus stems, they just burn to ashes from the heat of separation coming from the body of Srimati Radhika in separation. And Gurudev says she never leaves Vrindavan. Vrishabhanu Nandini, she never leaves Vrindavan. But this Samyogini Radharani, who's desiring to meet Krishna, she's able to meet Krishna halfway. And then she has the power to call Krishna back to Vrindavan, and by the power of her mind, she's calling Krishna back. And she says, Se ta parananata paino yaha lagi marana dahani jirigenu. She says, now I've gained the Lord of my life, in whose absence I was being burned by Cupid. I was withering away. So this is the goal that Radharani wants to attain, this mood of feeling the satisfaction that finally Krishna will move. He will follow her, he will come to Vrindavan, and the chariot is the chariots of the minds of the gopis, and they together bring Krishna back to enjoy their beautiful loving pastimes, this time on the bank of the Jamuna, and on the bank of the Jamuna and the places like Tirukadamba and Vansivat and Sevakunj, where they had so many beautiful pastimes. As children they played together from early life, they had no separation, all their activities were very sweet and loving, they played games, they sang songs.
they embraced, they told jokes, and their hearts were totally entwined in deep loving activities. So this Rath Yatra is so important. Jagannath is going, and then of course all the different parties are coming. Seven groups of Sankirtan are performed by Mahaprabhu, and Mahaprabhu, in that mood of Radharani, he's testing Krishna, whether Krishna will come to see me or he only wants to go to see the gopis. So he stands behind the cart and he sees, and then Jagannath's cart, his Rath, he stops and he waits. Gurudev says sometimes for hours, 1 hour, 2 hours, several hours, and Jagannath won't move until he sees Mahaprabhu in the form of Radharani, and he's singing and dancing in front of him. And she knows for sure, he's only my beloved, I'm only his. So this is the beautiful thing of this festival. And then, of course, this Lakshmi Devi is waiting back in Dwarka. She starts to feel irritable. She told her husband he should return after 1 or 2 days, but he's staying a long time. And then she decides to go and bring her attendants. They go to Vrindavan to meet the Brajabasis. And of course, the attendants arrest the pujaris of Jagannath and Baladev, and they try and restrain them and force them to submit to Lakshmi Devi. Maharaj explained very nicely 2 days back how Jagannath has to come back, and he's very humble and he's very clever. He has like a clever husband. He comes to his wife. She doesn't want to see him. She's very doing man. And Gurudev explains, any woman, if she sees her husband is interested in another woman, she'll be very unhappy and give the husband a very difficult time. And so he comes back and he says, oh, I've had some, I was away so long because I was getting a special sari made for you. And the tailor was, the weaver was far away, and he had so many, had to get special golden thread, but it's got golden thread and it's very beautifully made. And now, because I took this time, I came to you and I got to order some special sweets, some rubbery and so many things for you, jalebis, gulab jamas. And now if you like them, you please be happy. And Maharaj told this very nicely. So first of all, Subhadra came in. Maharaj says, she's a sister-in-law, we don't want to make trouble for her, so let her in. And Baladev came in, then Subhadra. Baladev is not his fault. But Krishna, she wouldn't let him in. You black fellow, don't come in here. They locked the door, so Krishna has to cry and ask requests. So finally, when he's able to pacify his wife, Lakshmi Devi lets him in. And again, he's able to remember his Vrindavan pastimes eternally. So it's a very high festival. This is the highest point of theological thought available to the Gaudiya Vaishnavas. And this is demonstrated himself by Chaitanya Mahaprabhu himself and his associates. And if we can attend the Rath Yatra festival, if only we were fortunate, we could all come with Maharaj. He's going there straight now on Friday, and he's going to see Jagannath. And we could attend at least by mind to go with him. And those who are able to absorb themselves in the pastime of Chaitanya Mahaprabhu, then the goal of life will be attained, which is to attain the lotus feet of Radharani. This is written by Prabhupada Sarasvati. Says, Yita yita gura padala vinde vindeta bhaktim krita punyarasi tata tato sarapati irida kashmar rada parambo jishudambu rasi. So those pious souls who fortunately attain devotion to Sri Gaurangadev, to Mahaprabhu, they become absorbed in rendering service to him, and automatically, naturally, that flow of bhakti and devotion coming from the lotus feet of Srimati Radhika will manifest in the heart of that sadhak, and then we'll be able to attain the goal of life, and we'll be able to worship the divine couple. And we pray only for Shubhana Nandini, Venum Karanipatitam Shkalitam Shikandam Vrashta Chapati Basanam Braja Rajashuno Yasya Kataksha Sharagata Vimuchitasya Tamaradikam Vachamira Sena. So Brindavaneshri Vaya Gunarupa Lila Sobhagi Keli Karanajala Davidehi Dasi Bhavani Sapsukayanti Sadasa Kantam Tam Malevi Parabhishtam Eviachche. So we're praying that's our goal, and we'll attain the goal to attain the service of Shrimati Radhika by the mercy of our Rupanuga Guru Varga, and then see them in their most beautiful happy pastimes when they're together, and then understand the mood of Chaitanya Mahaprabhu, and render service to our Sampradaya. We pray that our Guru Varga and our sadhus like Maharaj will be merciful to us, we'll be able to attain a goal of life, and transcend the mundane world of pain and sorrow, and three-dimensional existence, and render service, whether in this life or in the next, but as long as our satisfaction have reached today, and our Guru Varga are there, then our life is perfect. I'll leave it there, excuse me. Hare Krishna, Vanchi Kalpa, Tavis Chai, Kuru Chai. Jai Jagannath Mahaprabhu ki.
बोले सुभद्रा देवी की जय, बलदेव प्रभु की जय, सुदर्शन चक्र की जय, पिता की गौर ब्रह्मानंद जय। टाइम कितना हो गया? दस और कितना? 10-20 मिनट सुन सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, अभी अभी हम लोग महाराज से श्रवण कर रहे थे, जगन्नाथ जी रथ यात्रा का विषय पर श्रवण कर रहे थे, इसलिए गत गल्ल तक हम लोग ने श्रवण किया महाप्रभु के से भक्तों को लेकर के गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं और गुंडीचा मंदिर मार्जन का रहस्य क्या है, मतलब अपना हृदय रूपी रथ में अगर हम भगवान को बैठना चाहते हैं, भगवान तो जहां तक बैठ नहीं सकते हैं, भगवान केवल पवित्र और निर्मल और शुद्ध स्थान में ही ठाकुर का विराजमान है। इसलिए महाप्रभु ने पहले बोले अपना हृदय रूपी मंदिर को पहले साफ सुथरा करो, उसको बाद में फिर ठाकुर जी आकर के बैठेंगे। इसलिए अब लोग भागवत में देखिएगा, कुछ सहजिया लोग ऐसे होते हैं, कुछ सहजिया लोग ऐसे होते हैं, वो कोई साधन भजन की जरूरत नहीं मन करते, बोले आ जाओ गोपी प्रेम डायरेक्ट ले लो, है गोपी प्रेम को तुम डायरेक्ट ले लो, कोई साधन भजन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए बस मंजरी भाव गोपी भू भाव को ले। इसको कहते सहजिया है। सहजिया, सहजिया मतलब होता क्या है? सहजिया मतलब है जो प्रेम को, ब्रह्मा भी जो प्रेम के लिए तरसते, कहते ब्रज की पत्थर जन्म लेना चाहते, शंकर जो देव देव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी, सत्यम शिवम सुंदर, उस स्वयं गोपी भगवान की रास में प्रवेश करने के लिए शंकर जी भी गोपी मूर्ति धारण किया, लेकिन गोपियों ने चोटी पकड़ कर निकाल दिया और गोपियों ने गुलचा बांधना शुरू कर दिया, शंकर जी रोने प्रारंभ कर दिया, हैं शंकर जी रोना प्रारंभ कर दिया। इसलिए जहां पर शंकर भी जहां पर प्रवेश करने के लिए, शंकर भी जहां दिग्धावध करते हैं, जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज में तृण गुल्म लता वृक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, उद्धव उद्धव कौन है? कृष्ण खुद कहते उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है, मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, कहते हरिहर एकात्मा स्वयं शंकर भी इतना प्रिय नहीं, कहते मेरी अंक साइनी पत्नी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु प्रिय नहीं, इसकी बात छोड़ दो मेरे आत्मा भी इतना प्रिय नहीं, तू मेरे जितने प्रिय। इसलिए ऐसे भक्त उद्धव जो प्रेमा प्रेमातुर, मतलब भक्त का अंतिम छोर, ये उद्धव जी इतने बड़े भक्त उद्धव जी, लेकिन वृंदावन में गोपियों की चरण धूल पाने के लिए, राधा रानी की चरण धूल पाने के लिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी तरसते हैं। लक्ष्मी अभी भी बैठ करके तपस्या कर रही है, अंदर में घुस नहीं पाई, अभी भी लक्ष्मी बैठ करके तपस्या कर रही है। इसलिए ये प्रेम इतना आसान प्रेम नहीं है, इसलिए क्या करनी चाहिए? पहले अपना हृदय को हमें निर्मल बनानी चाहिए। इसलिए भागवत में देखो, पहले उन्होंने देखो भागवत में पहले किसकी चरित्र आता है? नारद जी की चरित्र पहले आता है, हैं? उसको बाद में ध्रुव महाराज का चरित्र आता है, उसको बाद में श्री भरत महाराज का, अम्बरीश महाराज, सब भक्तों का चरित्र आता है वहां पर सबके सब, और उसको बाद में जाकर कहीं दसम स्कंद कृष्ण कथा की, और कृष्ण कथा में भी पहले रासलीला नहीं सुनाए सुखदेव गोस्वामी, पहले बोले पुतना को पहले मारो। पुतना मतलब क्या? पुतना जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है, पहले उसको खत्म करो, उसके बाद में अघासुर बकासुर को मारे, सारे पाप को खत्म किया है, पाप में खत्म करके फिर उसको बाद में जाकर कहीं रासलीला को तभी जाकर के सुनाते हैं, भगवान की दिव्य लीला रासलीला को तभी ठाकुर जी सुनाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी महाप्रभु कह रहे हैं अपना हृदय रूपी रथ में अगर हम भगवान को बैठना चाहते हैं, ऐसे तो ठाकुर बैठ नहीं जाएंगे, इसलिए पहले हृदय को अपना साफ सुथरा करो, उसको बाद में भगवान तुम्हारी हृदय रूपी रथ में तभी ठाकुर जी बैठ सकते हैं, हैं? इसलिए कल हम लोग इसी विषय पर प्रभुपाद ने क्या क्या बता रहे थे, उसमें कंकड़ किया है, धूल किया है, कर्म किया है, ज्ञान किया है, फिर उसमें कुछ दाग भी रह गया, महाप्रभु के वो दाग को भी घिस घिस करके
कपड़े से दाग को भी घिस घिस करके प्रभु उठा निकाल रहे थे, फिर और भी कुछ दाग रह गया उसको भी महाप्रभु फिर घिस घिस करके उसको भी निकाले हैं, फिर निकाल करके फिर उन्होंने वो स्थान भगवान की बैठने का योग्य स्थान मिला। और लास्ट यहाँ तक भी बताए हैं जो सालोक्य सारुप्य साजुज ये जो भक्ति चार तरह का जो चार तरह का जो मुक्ति है भक्त लोग यहाँ तक भी नहीं चाहते हैं, इसलिए वैकुंठ में भी चार घात भी नहीं चाहते हैं, उनका लोग भी नहीं चाहते हैं, उनको पास में भी बैठना नहीं चाहते हैं और उनका समान ऐश्वर्य को भी नहीं चाहते हैं भक्त लोग, बस केवल एक भक्ति चाहते हैं ब्रज में श्री किशोर जी की चरण में श्री राधा जी की चरण में हमारी भक्ति हमें चाहिए है। इसलिए कल हम लोगों ने प्रभुपाद ने ये सब चीज को प्रभुपाद अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे थे। अभी जगन्नाथ जी फिर कहाँ पर आएंगे, फिर उसी मंदिर में आएंगे। इसलिए जगन्नाथ जी का ये जो रूप है ये जो जगन्नाथ जी का ये जो रूप है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले आप जगन्नाथपुरी में जाओ पंडाओं को पूछो, बोले भैया जगन्नाथ जी क्यों जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, क्या बोलते सुनना, बोले वो मासी घर में जाती है वो पोड़ो पीठा खाने के लिए, एक तरह का उड़ीसा में एक तरह का केक होता है ना पोड़ो पीठा होता है पीठा पाना है, कहते वो खाने के लिए जाते हैं इतना और कुछ नहीं जानते, इतना जानते है वो मासी घर में जाते है अपना केक खाने के लिए पोड़ो पीठा खाने के लिए जाते है, वो इससे और ज्यादा नहीं जानते है। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, ये रथ यात्रा है क्या चीज, रथ को खींचने वाले कौन है, हैं कौन रथ को ले जा रहे हैं, फिर उन्होंने इसका रहस्य को श्री महाप्रभु ने प्रकाशित किया है, महाप्रभु ने प्रकाशित किया। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीवे तुम्हें सिद्धांत करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भागवत किसको पास में पढ़नी चाहिए, बोले भैया जिसको जिसको पास में नहीं वैष्णव को पास में, वैष्णव भी चार संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र सनक, बोले कौन सा वैष्णव की अनुगत्य में, बोले महाप्रभु के भक्तों की अनुगत्य में, चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग श्री महाप्रभु का भक्तों का संग करो तभी आपको सिद्धांत की जो रस है जो तरंग है तब भी उसको अंदर में आप गोता लगा सकते हो। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को जो हम पढ़ेंगे हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी रथ यात्रा के महत्व को बताए हैं, क्यों जगन्नाथ कहां से कहां ले जा रहे हैं और किस भाव से, तभी हमें पता चलेगा भैया रथ यात्रा किया है। देखो मेरा घर भी पुरी है, मैं भी पुरी में रहने वाला हूँ, मैं पुरी में हर साल रथ यात्रा में आता था, रथ को हम खींच करके ले जाते थे, लेकिन आप इतना भीड़ जो सोच नहीं सकते, बड़े खूब मुकातानी करते हैं वहां पर खूब, हाँ बड़ा कठिन से, लेकिन क्यों साधारण लोग क्यों समझते हैं, हाँ जगन्नाथ जी रथ खींचेंगे तो पुण्य मिलेगा, हमें पुण्य मिलेगा इतना और कुछ नहीं, कुछ हम भी ऐसे आगे रथ खींचते थे भीड़ में धक्का मुक्का देख रहे खींचते थे, लेकिन जब हम गौड़ीय मठ में आए जब गुरुजी को पास में आए अब विशेष करके मैं जो मथुरा में आया ना हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के पास में करी करी महाराज 15 दिन से आज रथ यात्रा विषय को उन्होंने सुना, क्या कथा सुनाए पूरी भागवत का गोपी गीत उद्धव गीत और उसमें जितने वेणु गीत सबके सब मतलब रथ यात्रा में सारे को सारे गुरुदेव ने, अगर लेक्चर होगा आप सुन सकते हो, पता नहीं है रथ यात्रा में गुरुदेव की कथा नहीं है ना, वो बहुत बहुत पुराना है, गुरुदेव ने इतने सुंदर कथा सुनाए ना मैं तो सुनकर गदगद हो गया, मैंने सोचा आज ही रथ यात्रा मैंने पालन किया है, आज मैंने जगन्नाथ जी का असली दर्शन किया है, इसलिए इतने सुंदर गुरु जी ने कथा सुनाए। आज विशेष करके हमारे श्री गौरव गोविंद गोस्वामी महाराज हमारे जो गौरव इन्होंने जो रथ यात्रा का जो रहस्य निकाले जगन्नाथ कौन है, है? इनका रूप इतने बड़े बड़े क्यों आंख हुए है, हाथ ऐसे क्यों हुए है, कहते कोई बहुत पुरानी ग्रंथ बहुत कई पुरानी ग्रंथ से भाग हमारे उड़ीसा के कोई ग्रंथ से उन्होंने ये कथा को उन्होंने निकाली,
और निकाल करके उन्होंने इसको उन्होंने रथ यात्रा का संबंध में दिए और हमारे महाराज जब सुने ना इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हुए, बोले ये तो मेरे हृदय की बात है, ये हमारे हृदय की बात, महाराज बड़े खुश हो गए, हैं इसलिए बड़े खुश हो गए। अरे वाह महाराज बड़े सुंदर, गौरी गोविंद गोस्वामी महाराज बड़े सुंदर रथ यात्रा के रहस्य बताए, बड़े खुश हो गए महाराज, हैं बड़े खुश हो गए। इसलिए हम इस कथा को हम लोगों ने सुना था मोगलम्बा में जब हम थे ना, और कैसे जगन्नाथ का रूप कैसे हुआ, कैसे हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज विशेष बात कहते हैं, कहते महाप्रभु से जगन्नाथ जी का जो स्वरूप को ज्यादा महत्व देते हैं, हैं महाप्रभु से। बोले महाप्रभु कौन है? बोले कृष्णा ये राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु कहते ना कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रज, श्री श्री महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के हैं, वो किसको ढूंढ रहे हैं? उसे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कहते वो है वो कृष्ण विधुरा, कृष्ण ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहते जगन्नाथ किसको ढूंढ रहे हैं? राधा विधुरा, ये जगन्नाथ जी राधा को। हम वहां पर पहले सुने थे जब राधा रानी की विरह में कृष्ण स्वयं ब्रज में द्वारका में कृष्ण एकदम पूरा पूरा बेहोश हो गए थे, हैं राधा रानी की चिंतन करते करते जब उन्हें बेहोश जब बेहोश हो गए थे राधा जी की प्रेम को देख करके राधा रानी भी प्राण छोड़ना चाह रही थी, लेकिन जब कृष्ण राधा रानी को दर्शन प्रेम की अवस्था को दर्शन किया राधा जी की प्रेम में ही कृष्ण ये द्रवीभूत होकर के ये रूप धारण किया। इसलिए एक चीज देखना जगन्नाथ जी के रूप में, अब एक चीज को नजर कभी अगर हो देखना, कहते उनका जो जैसे कभी कृष्ण राधा रानी की चिंता करते 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 गौर बन गए थे, कहां पर? इमली तालाब में राधा रानी की चिंता करते 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 गौर रूप धारण किया था। अब जगन्नाथ जी को शरीर को देखना काले नहीं है, केवल उनका मुंह ही काले, आंख जो है ना बड़ी बड़ी काली और कुछ नहीं काली, पूरा शरीर गौर है। और कभी जाकर दर्शन करना उनका पूरा जो बॉडी है ना वो पूरा का पूरा गौर, क्योंकि कृष्ण राधा जी की दर्शन करते करते राधा जी के प्रेम में हैं, इसलिए बोले राधा आलिंगन बपो, राधा के द्वारा आलिंगन किए हुए हैं कृष्णा, हाँ ये जगन्नाथ जी के, इसलिए बड़े महत्व श्री जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जगन्नाथपुरी में 18 साल तक रहे और उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए जगन्नाथ जी के, क्यों? राधा जी के प्रेम को वहां प्रकाशित हुआ है और महाप्रभु वही चीज को आस्वादन करने के लिए आए थे। इसलिए महाराज ने जो रथ यात्रा जो निकाले वहां पर गुरु जी ने तीन कथा वहां पर सुनाई है, तीन कथा सुनाई जगन्नाथ जी ऐसे क्यों हुए हैं। आज हम लोग एक कथा सुन लेते हैं, हैं? कहते कृष्ण रहते थे कहाँ पर? कृष्ण रहते थे द्वारका में, लेकिन रहते थे महिषियों के साथ में कृष्ण रहते थे, लेकिन रहते थे महिषियों के साथ में कृष्ण, लेकिन वो चिंता किसको करते थे? बोले वृंदावन, वृंदावन की चिंता करते थे। कभी कभी सोते थे रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी इनको पास में सोते थे, लेकिन रात भर सोते थे इनको पास में, लेकिन रोते थे ब्रजवासियों के लिए। रात में सो करके कभी कभी उनको महिषियों को कपड़े को खींच करके बोले हे ललिते तुम कहाँ हो, हे राधिके तुम कहाँ हो, हे विशाखा तुम कहाँ हो, रात भर रोया रो 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 करके उन्होंने पूरा तकिया गीला कर देते थे, पूरा तकिया गीला कर देते थे। हे कालिंदी, हे श्यामली, हे धवली, हे श्रीदाम, हे वसुदाम रोया करते थे। अभी ये महिषियां सोचती हैं ये ग्वालिनिया ये कंडा मिलने वाली दधिमंथन करने गांव में रहने वाली और इन लोगों ने क्या जादू टोना कर दिया कृष्ण को, हैं? और हम लोग कहां कौन सा घर के, बड़े बड़े राजा घर के, बड़े बड़े राजा घर के हम बेटियां हैं और सारे विद्या सारे कला में हम निपुण हैं, हैं? कला में और इतने इतने बड़े बड़े घर के हैं राज, राज घर के राजकुमारी और हम 16,108 पटरानियां सबके सब मिल करके हम कोशिश करते कृष्ण को कैसे हम खुश करें, कृष्ण को कैसे प्रसन्न कैसे कृष्ण को करें, लेकिन कृष्ण रहते हैं हमारे पास में लेकिन रोते हैं उनको नाम लेके, रोते हैं भैया उन लोगों ने ऐसे क्या जादू टोना कृष्ण को ऊपर चला दिया, क्या जादू टोना चला दिया, हाँ इन लोगों ने क्या किया कृष्ण को।
इसलिए गुरुदेव इसी प्रसंग में कथा सुनाया करते थे। गुरुदेव बोलते थे एक समय कृष्ण भी द्वारका में रहते समय एक बार कृष्ण भी बेहोश हो गए, वृंदावन चिंतन करते करते बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए वृंदावन की चिंतन करते करते इतने में बोले क्या किया जाए, इनका होश कैसे आएगा, इनकी होश कैसे आएगा। बोले नारद जी को बुलाए, बोले नारद जी आप थोड़ा भगवान की वृंदावन का कीर्तन करो, हो सकता है ये कीर्तन सुनकर कृष्ण का होश आएगा। तो देखो कृष्ण का होश तो आएगा लेकिन फिर कृष्ण कहाँ चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। बोले क्या किया जाए, बोले एक काम करो अगर कृष्ण की होश को लाने के लिए कोशिश करते हो एक वृंदावन को प्रकट करो, इसलिए नव वृंदावन बनाओ। इसलिए ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुला करके बोले ब्रह्मा जी आप एकदम नया वृंदावन जैसे बनाओ हैं, जिसका नाम कहते नव वृंदावन। इतना सुंदर उन्होंने वृंदावन बनाया हैं, बड़े सुंदर उन्होंने ये वृंदावन को बनाए, वृंदावन को बना करके। और जैसे कृष्ण सवेरे उठ करके क्या करते हैं, मैया जसना मखन खिलाते, बुलाला मखन खा ले हैं। कृष्ण जैसे सखाओं को साथ में गैया चराने जाते हैं, सखाओं को साथ में, और पूरा वहां पर सखा बना दिया सबके सब, एकदम बछड़े गैया बना दिए। और जब कृष्ण गोचारण करने जाते हैं ना, वहां पर जैसे गोपियां कुंज से दर्शन करती हैं, राधा रानी भी कुंज से दर्शन करते हैं, पूरा उन्होंने ऐसे ही पूरा बना दिया। लग रहा था स्टैचू नहीं, लग रहा था सचमुच से ये वृंदावन धाम, एकदम इतना सुंदर उन्होंने बनाया वृंदावन बना करके। और रुक्मिणी सत्यभामा बोले खबरदार पास में फटकना नहीं, दूर से रहो, तुम लोग दूर से दर्शन करो, कृष्ण को पता नहीं चले ये द्वारका है, पता चले वृंदावन है। और रुक्मिणी सत्यभामा जा करके कहाँ छुप गए, किसी कुंज में छुप गए, उद्धव भी छुप गए। और वहां पर जो कंस की जो मैया थी ना पद्मा है, वो बड़े कुटिल है, वो बड़े कुटिल है वो पद्मा। इसलिए बोले तुम 100 साल की एकदम डोकरी, केस पक गई एकदम डोकरी, बोले तुम दूर में रहो, तुम दूर में रहो। क्योंकि ये कभी कभी कहती थी कृष्ण तो हमारी, कृष्ण थोड़ी वृंदावन की, कृष्ण हमारी है। और कृष्ण को हैं, कृष्ण को जब वृंदावन में थे लोग क्या जानते, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और उनको छोड़ करके आ गए वृंदावन, कृष्ण था हमारी। बोले देखो कृष्ण जब रहे वृंदावन में ना, कृष्ण को बड़े कष्ट दिया इन लोगों ने। बोले क्या किया, बोले गैया चराने के लिए भेजे, और कोई गैया चराने के लिए मिले नहीं, इनको ही गैया चराने के लिए भेजे। और हमने सुना कहीं उनने थोड़ी मक्खन भगन चोरी कर लिया ना, अरे मैया ने कान बोल दिए इसकी, और उनने कहीं मटकी फोड़ दिए तो उनको उखल में बांध दी मैया ने है, और उनको गैया चराया, इसलिए घर में ठीक खाने नहीं देते थे, इसलिए कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करता था। ऐसे ही ब्रजवासी, वो तो ब्रज प्रेम नहीं जानती है ना, ब्रज की महिमा तो नहीं जानती थी, इसलिए कभी कभी ऐसे उनको ऊपर में कटाक्ष करती थी। बोले गोड़ी को बोले तू दूर से रहा, ये पास में बताना। इतने में नारद जी बड़े सुंदर वृंदावन की भजन को गाए, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जब कीर्तन किया, कीर्तन सुनकर के कृष्ण वो वृंदावन की चिंता करते करते कृष्ण बेहोश हुए थे, इसलिए कृष्ण का द्वारका वेश को हटा दिया और कृष्ण का शरीर पूरा वृंदावन का ड्रेस में उनको ड्रेसिंग किया। और बलदेव प्रभु का द्वारका वेश हटा दिया,
भरतदेव को पूरा वृंदावन का पूरा उनका श्रृंगार किया वृंदावन की। जब कीर्तन सुने कृष्ण तो सोच रहे थे वृंदावन में हूँ, इतने में कृष्ण धीरे धीरे उठे। जब कृष्ण धीरे धीरे उठे, जैसे वृंदावन में रहते समय उनका जो चाल है, उनको जो देखनी है, उनकी जो चलना है, उनकी जो बोलना है, वृंदावन में रहते समय, अभी द्वारका में रह रहे ना, द्वारका में तो ऐश्वर्य भाव है ना, ब्रज में तो माधुर्य भाव है। जैसे मैया यशोदा से मक्खन मारते थे सवेरे उठते ही, जैसे चलते थे, इतने में कृष्ण की चलनी बोलनी, उनकी जो तिरछी चितवन को देख करके ना, कृष्ण सवेरे सवेरे उठे थे, लग रहा था मैं सो रहा हूँ, उठे। बलदेव प्रभु को उठाया, बोले कन्हैया कन्हैया आज बहुत दूर तक गैया चराने के लिए जाना है, देखो सूरज कितने ऊपर में उठ गए, आज बड़े दूर तक जाना है, अभी तो कुछ सोया हुआ, देख सारे सखा लोग सामने खड़े हुए, क्योंकि बछड़े सखा बनाया, जैसे लग रहा था साक्षात कृष्ण का सखा बछड़े है, है? बोले देखो गोपियां तुमको खिली उड़ा रहे हैं, हंसी दिलाई कर रहे, तो अभी तक सो रहा है, जल्दी जल्दी उठ चलो वृंदावन में। कृष्ण जब उठे वहां से, जब उन्होंने चलने लगे, मैया को देखा कृष्ण उठते, मैया मक्खन देती ना, और जैसे पास में मैया मक्खन लेकर खड़ी हुई, इतने में कृष्ण समझ नहीं, ये स्टैचू है, वो ऐसे बन रहा था, लग रहा था जैसे जसमुज जसोदा है। कृष्ण बोले मैया मैया जानते हो मैं रात में ना बहुत स्वप्न देखा, और मैंने स्वप्न देखा मेरी शादी हो गई, लेकिन सचमुच से शादी हो गई ना, रुक्मणी सत्यभामा काले दी मित्र भी दसम, लेकिन कृष्ण उसको क्या सोच रहे, बोले शादी हो गई, मैं स्वप्न देखा भैया, मेरे स्वप्न देखा भैया, मैं बहुत को और कुछ बहुत स्वप्न देखा, मैंने कंसो को मारे और बड़े बड़े दत्तों को मारे भैया, मैंने बहुत कुछ स्वप्न देखा, अभी मेरे पास में समय नहीं बोलने का, मैं जब वापस आऊंगा गैया चरा करके फिर तेरे को मैं बोलूंगा। हैं शिक्षा क्या दे रहे, कहते उनका जो सही लीला, इनका ब्रज में जो लीला है वो सही है, और जितने द्वारका मथुरा में लीला स्वप्न है, वो सारे लीला स्वप्न है, लेकिन जब असली लीला ब्रज में ही कृष्ण असली लीला करते हैं, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, जैसे गोपियां कुंज से देखते हैं, वही ऐसे बनाए कृष्ण गोपियों को जैसे देखते हैं बोलते हैं, ऐसे देखते देखते और जो थोड़ी दूर गए, और राधा रानी भी कुंज में बैठ खड़ी हुई, जब राधा रानी को देखे, बोले राधे लगता है तुम मेरे स्वप्न की बात समझ गई हो, मेरी मेरी और भी शादी हो गई, मेरी भी एक पत्नी दूसरे, अगर किसी दूसरे को ये करती ना, दूसरे को पास में नहीं चाहती जाती, कोई पत्नी अगर शादी हो जाए, अगर और किसको पास में जाए, फिर बुरा मानते हैं ना, तुम शादी करके और किसको पास में जा रहे हो। बोले राधे लगता है तुम मेरे स्वप्न की बात समझ गई हो, इसलिए तुम मान करके खड़ी हुई, मान नहीं करना, मैं रात में आऊंगा ना, मैंने स्वप्न देखा थोड़ी सचमुच से और कोई शादी किया, तेरे के सिवाय मैं और किसी को जानती ही नहीं, जानता ही नहीं, इसलिए रात में सारे बात को बताऊंगा। जब कृष्ण ऐसे हाव भाव कटाक्ष में जा रहे थे, जो पद्मा थी कंस की माँ, 100 साल की बूढ़ी डोकरी, दांत गिर गई, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन जब उन्हें कृष्ण रूप को देखा है ना, वृंदावन का कृष्ण रूप को देख करके पागली नहीं हो गई, वो सोच रहे थे 14-15 साल की मैं छोरी हो गई, लड़की बन गई, मतलब कृष्ण के रूप देखकर, ब्रज रूप को देख करके वो बूढ़ी भूल गई, और कृष्ण को जोर जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही थी, और उनको उद्धव सात्विक आदि बड़े कठिनी से रोक रहे थे, और जैसे कृष्ण को चुंबन करना चाह रही थी, मतलब भूल गई मैं कौन हूँ, मैं बूढ़ी, मतलब कृष्ण वृंदावन का जो रूप है वो इतने सुंदर कृष्ण की ब्रज का रूप, और सत्यभामा जो रुक्मिणी थी वो तो कृष्ण की रूप को देख करके, और कृष्ण कैसे गोपियों को प्रेम करते हैं, ब्रजवासियों को कृष्ण कैसे प्रेम करते हैं, ये प्रेम को देख करके ना ये भी पागलिनी हो गई, वो भी जोर जबरदस्ती कृष्ण भाग रही थी कृष्ण को पकड़ने के लिए, और उनको जोर करके पकड़ करके सब रख रहे थे, जोर कर पकड़ कर रख रहे थे। फिर सत्यभामा, देखो ये चीज समझो, सत्यभामा सोचती थी ये वृंदावन के ग्वालिनिया ये क्या जादूटना कर दिया कृष्ण को, हम एक से एक सुंदरी और रूपवती, इतने गुणवती, कृष्ण सोते हैं हमारे पास में, रोते हैं वृंदावन के लिए, इन लोगों ने क्या ऐसे प्रेम किया, वो सोचती थी। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण के रूप को देख लिया ना, और कृष्ण कैसे वृंदावन वासी को
मैया जसोदा को, सखाओं को, गोपियों को, राधा रानी को कृष्ण कितने प्रेम करते हैं, उसी दिन उनको पता चला कृष्ण ब्रज वासियों को जितना प्रेम करते हैं, उनका दासी की दासी की दासी को भी जैसे हम हमें जो प्रेम करते हैं, उनका दासी को भी कृष्ण इतना प्रेम नहीं करते हैं। मतलब दासी को भी कृष्ण जैसे हम लोग है जो प्रेम करते उतना प्रेम कृष्ण हमें नहीं कर रहे। क्यों? पता चला ब्रजवासियों को कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम। उसी दिन समझ गए ब्रजवासियों का प्रेम में कितने शक्ति, ब्रजवासियों का प्रेम में। इसलिए यहाँ पर महिषिया सोच रही हैं जे ऐसे कृष्ण क्या उन्होंने लीला की वृंदावन में, क्या उन्होंने मधुर लीला की, जो कि कृष्ण दिन भर वृंदावन को लेकर रोते। एक दिन रोहिणी को बोले माता रोहिणी हमें थोड़ा वृंदावन की लीला सुनाओ। क्यों? केवल एक जो रोहिणी माँ थी वो कृष्ण की लीला को दर्शन किया और कोई नहीं दर्शन किया है, द्वारका में कोई नहीं दर्शन किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहिणी च महाभागा सर्वबंधित सेविता। इसलिए जो रोहिणी मैया है वो बड़ी भाग्यवती। क्यों? कृष्ण जब ब्रज में कृष्ण जन्म होने पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जो वहां पर जो लीला हुई ना, जो ब्रज में जो उनकी उत्सव मची, कहते इसका सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, बोले केवल रोहिणी को प्राप्त हुआ और किसको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए रोहिणी जो महाभागा, कहते महाभाग्यवती रोहिणी, बोले मैया थोड़ी सी हमें वृंदावन की कथा सुनाओगे। तो देखो अगर कृष्ण बलराम अगर कथा सुन लिया ना रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। ब्रज का आनंद है ना, सुन करके रह भाग जाएंगे। बोले क्या किया जाए, बोले एक काम करो सुना सकती हूँ अंदर महल में, मैं सुना सकती हूँ अंदर महल को, अंदर में मैं सुना सकती हूँ। बोले ऐसे ही करो, बस अंदर महल में गई, कृष्ण की 16108 पाटरानी वहां पर बैठी है। तो रोहिणी मैया जो कथा सुनाई वृंदावन की, क्या अद्भुत लीला है, कृष्ण कैसे भगवान होकर के घर घर में कैसे प्रभु मक्खन चोरी करते थे और पूरा ब्रज में हल्ला हो गया मक्खन चोर की। एक दिन मैया बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन होगा। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ कौन तेरे को बेटी देगा, पूरा ब्रज में हल्ला हो रहा है तो मक्खन चोरी कर, चोर को कोई बेटी देगा? बोलो हाँ, चोर को कोई बेटी देगा? लगता है तो जिंदगी भर कुआर कुआर रह जाओगे, शादी वादी नहीं होगी। बोले मैया सारा दुनिया जो कुछ करते शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई इतना क्यों कर रहे, बढ़िया काम मिले, बढ़िया काम मिले क्यों, क्यों? बोले काम करे पैसा कमाएंगे, पैसा क्यों कमाएंगे, घर इतना सुंदर मकान दुकान क्या बनाएंगे, बस एक ही है बहू घर में आए केवल शादी के लिए। अब देखना सारे काम जो करते ना गृहस्थी, केवल एक काम के लिए बढ़िया से शादी हो जाए, घर मकान बना ले, घर में बहू आएगी, बच्चे कहाँ रहेंगे, देखना सब शादी के लिए। बोले माँ सारा दुनिया शादी के लिए सब के, तू तो मेरी शादी नहीं होगी। बोले बेटा बताओ तेरे को शादी कौन करेगा, पूरा दुनिया में ब्रज में हल्ला हो रहा है, तुम मक्खन चोरी की करते हो, बोले चोर को कोई क्या बेटी देगा। कृष्ण बोले गड़बड़ी हो गया। बोले मैया को ऐसे में प्रमाण दूंगा ना, मैया को विश्वास हो जाएगा मैंने मक्खन चोरी नहीं की। कृष्ण क्या गजब की उन्होंने उदाहरण दिया, क्या बोले, बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, आभोर भयो गई अनको पासे, माजु बनमो ए फठाय, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन। देखो कृष्ण क्या उदाहरण दिया, बोले भैया मैंने मक्खन नहीं खाई। बोले कैसे, बोले भोर भयो गई उनको पाचे मधुवन में पटाए, बोर होते तुमने मधुबन भेज दिया, चार ही प्रहर मधुबन भट्ट को सांझ पड़े घर आए, सारा दिन गया चरा शाम को आया, अरे रात भर तेरे गोद में सोया कि नहीं। बोले हाँ मेरे गोद में सोया था। बोले बताओ भैया दिन भर गया चरा या रात भर तेरे गोद में सोया, मैंने मक्खन कभी चोरी की? बोले मैं बालक बही है ना छोटो, बोले कहा छीके को ऊपर रखते मक्खन, और मैं तीन चार साल का बालक, मैया बताओ
कहां पर इतना हाथ कैसे पहुंचा? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया बरबस मुंह लपटायो कि जो सखा लोग इतने बदमाशी है, खुद तो मक्खन खाते और मोर मुंह में जोर जबरदस्ती मक्खन लगा देते हैं। लगता है मैया मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को कहीं जन्म देकर फेंक दिया था, तुम उठाकर पामिया कर रही हो। इतना जो मैया सुनी ना, अरे कन्या को गोद में भर दिया। बोले नहीं लाला, तुमने मक्खन नहीं खाई, तुमने मक्खन नहीं खाई है। फिर कृष्ण बदला देते हैं, क्या कहते हैं? बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खा। बोले मैया मैं नहीं मक्खन खाया। क्या सुंदर सुरदास भजन गाते हैं। इसलिए जब उन्होंने मक्खन चोरी, उनकी जो बंसी वेणु गीत जब सुनाए, कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, क्या बंसी ध्वनि की चमत्कारिता। कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके कहते जितने देवियां हैं, देवता भी आ जाते रथ में बैठ कर सुनने के लिए। कहते देवियों को केस से फूल कभी कभी निकल जाती है, कभी कभी कपड़ा खिसक जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके। मेघ भी उनके सर ऊपर में छतरी जैसे रिमझिम रिमझिम बारिश भी करती है, हैं? और पेड़ से मधु झरता है, अब कमल फूल खिल जाती है, तोता मैना सबके सब, कोयल सबके सब मौन बन जाती है, मुन्नी बन जाती है, बछड़े गया तो मुंह से मुंह घास रह जाती है, दूध दोनों धार से चुचुआ। जब बंसी ध्वनि की गुरुदेव बड़े सुंदर वर्णना किया है, हैं? कैसे उनकी बंसी ध्वनि, क्या कृष्ण ने रास रचाए। रास लीला में जहाँ पर कृष्ण स्वयं, जहाँ पर गोपियों के प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, कहते हैं गोपियां ब्रह्मा जैसे परमाणु लेकर कभी तुम्हारी ऋणी से ऋणी नहीं बन सकता हूँ कभी तुम्हारी। और उनको जो बड़े सुंदर उनका जो भ्रमर गीत को वर्णना करते हैं, कैसे कृष्ण स्वयं भ्रमर बन करके राधा रानी को मनाने के लिए आती है, चरण में कैसे बैठना चाहती। राधा रानी का तुम यहाँ से दूर से हट जाओ, मेरे प्यार प्यार को छुआ मत कर, शराब पी करके आए तू है, तू शराब पी करके आए हो। कहते भ्रमर का छह प्यार होता है ना, इंसान का दो प्यार, जानवर का चार और भ्रमर का छह प्यार, मतलब तू इतने बड़ा जानवर हो। इसलिए गोप में क्या लगा करके आए, लाल लाल आया कहां से तुम्हारे मुंह से, ये कोई मनाने का तरीका है तुम्हारी है, तू मेरे को मनाने के लिए आए हो। कहते ये लाल रंग कहां से आया तुम्हारे, जो गोप में लाल रंग कहां से आया है। बोले कभी जब वहां के जो महिषी अपना बक्ष स्थल को कुमकुम में कभी उन्होंने रंजित किया, कृष्ण माला पहन करके उनको साथ में मिले, उनका जो कुमकुम का रंग लग गया कृष्ण की माला में, और ये भौंरा जब वहां पर बैठे ना, उनका गोप हो गया लाल। बोले कृष्ण हमको छोड़ करके दूसरे महिषियों से मिले और उसको चिन्ह लेकर मनाने के लिए आए। ऐसे भ्रमर गीत में क्या उन्होंने कृष्ण को कैसे उलाहना दे दे करके, कृष्ण को कैसे उलाहना दे रहे, अद्भुत भ्रमर गीत है। जब भगवान की रासलीला भ्रमर गीत को वर्णना किए, कौन कहते श्री मैया रोहिणी बास। इसको सुन करके कृष्ण तो बैठे हुए थे कहाँ पर, भगवान बैठे थे अपने राजभवन में बैठे हुए थे, हैं? अपना राजभवन में बैठे हुए थे कृष्ण, वहां पर राज्य सभा को देख रहे थे। इतने में कृष्ण को पता चला रोहिणी मैया मेरी वृंदावन की कथा सुना रही, तो उन्होंने बोले अभी अभी मैं ताऊ भैया आता हूँ। कृष्ण आ गए, हाँ कृष्ण आ गए, अंदर में जाना चाह रहे थे लेकिन वहां पर सुभद्रा को खड़ी कर दिया। बोले कृष्ण बलराम घुसने मत देना, लेकिन जब आए ना सुभद्रा दोनों भैया को पकड़ लिए। बोले नहीं, मैया ने मना किया अंदर में जाने के लिए। इतने में कृष्ण बलराम अपना कान को लगा करके दरवाजा में ब्रज की कथा सुनने लग गए। हे ब्रज की कथा सुनते सुनते कृष्ण की जो मधुर मधुर लीला है, त्रिजगत माना सकार से मुरली का जो कलकुजी था, कृष्ण की जो बंसी ध्वनि की जो महिमा, कृष्ण की लीला की जो महिमा सुन सुन करके कृष्ण स्वयं द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत हो करके उनका हाथ अंदर में चला गया, इतने बड़े बड़े आंख हो गए, बलदेव प्रभु भी ऐसे हो गए, सुभद्रा भी दोनों को देख करके रूप को देख करके वो भी द्रवीभूत हो गई, उनका जो सुदर्शन चक्र भी द्रवीभूत होकर के लकड़ी सा बन गया। बस उस समय श्री नारद मुनि वहां पर आते हैं। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण।
hari bol hari bol hari bol hari 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 bol 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 hari बड़े सुंदर कीर्तन किया। फिर कीर्तन सुनकर के धीरे 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपना स्वरूप में आए। आज जगन्नाथ इतने खुश, कृष्ण ने नारद आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बड़े दिनों में ब्रज की कथा मेरे को सुनने को मिला, आज मैं खुश। आप देखना, जब किसी व्यक्ति को कोई चीज मांगो ना, हर समय जब मूड खराब हो नहीं मांगनी चाहिए। अगर पत्नी अगर पति को कोई चीज मांगी, अगर मूड खराब हो ना, डंडा मारना शुरू कर देगा। किस समय मांगनी चाहिए? जब देखो बहुत बढ़िया। इसलिए पत्नी पति को कोई अगर कोई चीज मांगना कब मांगती है? खूब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगी, बढ़िया बढ़िया सेवा करेगी। पति को पता चलेगा ये ज्यादा क्यों कर रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, है? दाल में भूत मार चुके हो तुम, भूत मार चुके ना। हाँ, इसलिए जब जब मांगना हो ना, इसलिए खुद सेवा करेगी। खुद पति को भी पता चलेगा ज्यादा कर रही, मतलब गड़बड़ी है। फिर जब देखा मूड बढ़िया मूड हो ना, तभी बोलेगा ये चाहिए, है ये हमें चाहिए। इसलिए जब खुश हो ना, सब दे देते हैं। इसलिए आज जगन्नाथ बड़े खुश, कृष्णा बड़े खुश है। बोले आज जो मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयार हूँ, है। बोले मांगो, बोले प्रभु अब इसी रूप को लेकर के श्री नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में इसी रूप को लेकर के आप वहां पर आपको पूजा हूँ। जो व्यक्ति आपको दर्शन करे है और जो तुम आपकी प्रसाद पाए, पूर्व में जो प्रसाद है ना, उसका नाम कहते कैवल्य। कैवल्य मतलब मुक्ति। जो भगवान की प्रसाद खाते हैं, संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो मंदिर है ना अंदर में, कौन कौन गए अंदर में हाथ उठाओ, तो उसका नाम है आनंद बाजार। क्या नाम है? आनंद का ज्यादा प्रसाद में आनंद आता है। आज प्रभु ने बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाया, इसलिए सबसे ज्यादा आनंद आते हैं प्रसाद परने वाले में, इसलिए इसका नाम आनंद बाजार है क्योंकि बढ़िया बढ़िया जगन्नाथ जी की बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है। इसलिए कहते हैं रात को ना जगन्नाथ जी का प्रसाद इधर उधर पड़ा रहता है, लेकिन सवेरे आकर के देखो एक किड़का भी नहीं मिलेगा वहां पर प्रसाद। कहते स्वर्ग से देवता लोग उतर करके आते हैं और एक एक उठा उठा कर अन्न को खा करके चले जाते हैं, चले जाते हैं। और वहां पर ना 33 करोड़ देवता जगन्नाथ मंदिर को चारों तरफ में बैठे होंगे। कभी अगर आप मंदिर में गए होंगे, देखना जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है ना, एक व्यक्ति बहुत बड़ा मजरा लेगा, उन्होंने ऐसे पूरा मंदिर के चारों तरफ में बजा बजा कर घुमाया। बोले क्यों? बोले वहां पर 33 करोड़ देवता वहां पर प्रसाद के लिए बैठे हुए और वो सबको निमंत्रण देता है। और देवताओं 33 करोड़ देवता जगन्नाथ जी की भोग लग गया है, आओ सब के सब प्रसाद मांगने के लिए, प्रसाद मांगने के लिए, इसलिए लेकर घूमता है। और कहते जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ, विश्व ब्रह्मांड प्रसाद के लिए तरसते हैं। और वो सबसे पहले वो प्रसाद माता विमला को लगती है क्योंकि माता विमला प्रसाद के लोभ से उन्होंने कैलाश छोड़ करके प्रसाद पाने के लिए उन्होंने मरते जगत में आ गई। इसलिए सब जगह में प्रसाद, लेकिन पुरी में महाप्रसाद। क्यों? सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो प्रसाद श्री माता देवी वैष्णवी है, माता देवी वैष्णवी है, इसलिए देवी वैष्णवी को भोग लगता है। इसलिए उसका नाम प्रसाद नहीं, महा महाप्रसाद उसका नाम है। इसलिए प्रसाद की बड़ी महिमा जगन्नाथपुरी की। इसलिए अभी रथ यात्रा आ रही है, जगन्नाथ जी रथ में बैठ करके है, बैठ करके जगन्नाथ जी कहाँ जाएंगे? सिर्फ वृंदावन जाएंगे। और कहते रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार रथ के ऊपर जो जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, कहते पुनर्जन्म न विद्यते, इसका पुनर्जन्म नहीं होता, इसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतने महिमा रथ यात्रा, जगन्नाथ जी को दर्शन करना, रथ को खींचना, रथ कौन खींच कर ले जाती? ब्रज गोपियां। वो रथ नहीं, राधा जी के हृदय है, माने राधा रानी अपना हृदय में श्याम सुंदर को बैठा करके ये रथ कौन खींच रही है? ब्रज गोपियां ले जा रही है, हैं? कहां ले जा रही है? वृंदावन ले जा रही है, कृष्णा भी वृंदावन जाएंगे। इसलिए अभी रथ यात्रा आ रही है, अब लोग यहीं से टीवी को खोल कर दर्शन करना, पूरा बढ़िया से दर्शन आता है। जगन्नाथ जी कैसे ले जाते हैं, झुम झुम करके जगन्नाथ जी कैसे चलते हैं,
हैं, कैसे चलते हैं जगन्नाथ जी, कैसे रथ में बैठते हैं, हैं? आप लोग तो गए थे प्रभु लोग पास में बैठ कर देखे, इनके लिए टिकट बना दिया था एकदम पास में बैठे, बढ़िया से इन लोगों को दर्शन किया। इसलिए ठीक है, हाँ देखो आज रात हमारे ब्रिजबेन का जो प्रोग्राम है आज रात यही हमारा लास्ट प्रोग्राम है। ठीक है, देखो महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। कहते जो शुद्ध भक्तों का जो दर्शन है सहज में नहीं होता है। कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सुकृतिवान जीव को जीवन में संतों का दर्शन गुरु जी का दर्शन होता है, बड़े भाग्य से मिला है। और जैसे आप लोग ने जिस महाभागवत को दर्शन किए हो, हम महाराज की चरण आश्रय किए हो, इसलिए ये लोग बड़े भाग्यवान हैं। तो किसी शुद्ध साधु का दर्शन हमें मिले, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। गुरु जी ने जो मंत्र दिया वो बीज आपका हृदय में बोया है, अभी हम माली है। अभी रोज क्या करनी चाहिए, जो कुछ भक्ति का जो अंग रोज इसको जाजन करो। क्या करना, सबरे नहा धो करके सबसे पहले बैठो, इधर बात सुनो, सबसे पहले सबरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगाना। क्या लगानी है, जोर से बोलो, तिलक को डिले नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है बगैर तिलक के, हमारे भारत में देखना जब कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आता है जब तक तिलक नहीं लगाएगा पूजा नहीं करता है, तिलक के बगैर पूजा निष्फल है, पूजा निष्फल। इसलिए बिना तिलक लगाए कोई एक स्टूडेंट महाप्रभु को क्लास में आया, महाप्रभु निकाल दिया उसको क्लास, तिलक नहीं लगाया था, तुमने गुरु मंत्र जब नहीं किया, घर में जब तिलक लगा करके तब यहाँ आना। तो प्रभुपाद बड़े टीका लिखे थे तिलक की क्या महिमा है। इसलिए पुराण में श्लोक आया लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य भवेत देहे जस्य पद्मा की ततनो। जो व्यक्ति तिलक धारण करते द्वादश अंग में उसको शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री गीता सीता गया गंगा कुरुक्षेत्र जितना नदी है बोले उर्धपुंड्रधरम अर्तो म्रियते। भगवान विष्णु स्वयं भगवान कह रहे, कहते सुपात अभी मम लोकम, भगवान कहते चंडाल क्यों नहीं हो, अगर कोई तिलक लगाता है वो कहीं भी मृत्यु हो मम लोक महियते मेरे धाम को वो आता है। जब महाराज जमदूतों को कह रहे हैं बोले जमदूत जिसको गले में कंठी और तिलक दर्शन करोगे दूर से प्रणाम कर लेना, वो समझ जाना भगवान की भक्त है, हम उसके विचार नहीं करेंगे, विचार ठाकुर करेगा। स्वयं जब महाराज कह रहे अगर इस गले में कंठी तुलसी कंठी देखोगे उनसे बहुत दूर रहना, उनको पास में खटकना नहीं, ठीक है ना। इसलिए जरूर तिलक लगाना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवत भक्ति प्राप्त करने का तीन सबसे सरल उपाय है, पहला नंबर भक्तों का चरण धूली जो तिलक चरण ब्रज रज है, जिसको ब्रह्मा शंकर प्रार्थना करते हैं भक्तों का है चरणामृत और उनका अधरामृत प्रसाद। ये तीन चीज जितने जल्दी भक्ति को देने वाले और इतना जल्दी कोई भक्ति नहीं देते, ठीक है ना। तिलक एकदम डिले नहीं करना, पुराण कहता है जो तिलक बिना लगाए जो तिलक पूजा करता है थोड़ा फल मिलता है, लेकिन जो तिलक लगा कर पूजा करते तो करोड़ों गुण तक उसको फल मिलता है, 40 गुण उसको फल मिलता है। इसलिए तिलक डिले नहीं करना, जैसे कोई ऑफिस काम करने जाते हो आप लोग शर्म लगेगा, इसलिए तिलक को लेना जरूर, तिलक तो लगा उसको थोड़ी सी हल्का करके, इतना डीप रूप में नहीं हल्का करके लो, वो तिलक लग जाते दिखती भी नहीं है, लेकिन तिलक लगानी चाहिए क्योंकि गोपियों की चरण धूलि है, तो कोई साधारण वस्तु नहीं, कृष्ण जैसे में अभिषेक किया, ठीक है ना। और तिलक और जो गुरु मंत्र है उसको ठीक से जप करना, ऐसे नहीं जब इच्छा हुआ किया नहीं किया, फिर तीन दिन अगर कंटिन्यू नहीं करते है ना गुरु मंत्र को, धीरे धीरे गुरु जो मंत्र का शक्ति नीचे उतरना शुरू हो जाती, धीरे धीरे मंत्र शक्ति नीचे उतरना शुरू हो जाती। इसलिए गुरु मंत्र को नियमित पूर्वक गुरु मंत्र जरूर जप करनी चाहिए। और जो माला करते हैं माला, गुरु जी कहते कभी भूखा मत रखो, गुरु जी कहते थे एक दिन माला जप नहीं किया मतलब है ये माला नहीं, ये कृष्ण स्वयं आपके पास में आए। एक दिन जप नहीं किया गुरु जी कहते थे ठाकुर जी आज दिन भर भूखे रहे, कपड़ा नहीं बदला, स्नान नहीं किया, इसलिए खुद भूखे रह जाना, माला भूखा नहीं रखना। इसलिए
महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के पास में प्रसाद लेकर के आए, महाप्रभु क्या बोले, हम तो थोड़ी 15-16 माला 20 माला कोई करते होंगे, लेकिन वो कितना करते थे, 3 लाख हरिनाम करते थे, 64 अगर हम 16 माला करते ना सवेरे से शाम तक पूरी नहीं होता है माला 16 माला। और वो कितना करते थे, 4 बार 16 करते थे, इतने माला करते थे हरिदास ठाकुर। जब महाप्रभु आए प्रसाद देने के लिए, बोले हरिदास ठाकुर प्रसाद लो। बोले प्रभु आज हम प्रसाद नहीं ले सकते। बोले क्यों बेटा, क्या हो गया? बोले आज मैं अपना माला नहीं कर पाया। बोले हरिदास तुम रोज रोज 3-3 लाख हरिनाम करते थे, अभी तो वृद्ध हो गए हो, थोड़ा कम तो करो। देखो इसको ध्यान देकर सुनो, कितनी अच्छी बात कह रही, बहुत महत्वपूर्ण बात हरिदास ठाकुर कहते। बोले हरिदास वृद्ध हो गए हो, थोड़ा कम करो। लेकिन कहते प्रभु शरीर मेरा सुस्त है, असुस्त बुद्धिमान, हमारा शरीर चंगा है, शरीर कोई दिक्कत नहीं, शरीर तो बढ़िया, लेकिन जो मन है ना, ये मन असुस्त है। मतलब क्या, ये मन बड़ा दुष्ट है। देखना टीवी देख रहे हो, 3-3 घंटा बैठ कर टीवी देख लेते, मास पास, और अगर ये फोन देखे ना, क्या स्मार्टफोन, कितने समय उसमें चली जाती है। अगर इधर उधर को बात करना, बेटी बहू पता नहीं नाती पोती होगी, कितने बात समय चली जाती कि नहीं। लेकिन उसी समय तो समय है हमारे पास में, लेकिन जब हरिनाम करने के लिए बोलो ना, बोले समय कहा है। इसलिए कहते हमारा समय कहाँ। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते असुस्त बुद्धिमान, हमारा मन बड़ा दुष्ट है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, अपना मन को 100 बार पीटो, 100 बार मन को पीटो। बोले मतलब क्या है, ये मन को समझाओ, क्या समझाओ मन को, बेटा हरिनाम करो, भजन करो, और ठाकुर को जो सेवा पूजा करते हो, ठाकुर का रोज ठाकुर को भोग लगाना, आरती करना, तुलसी परिक्रमा करना, ठीक है ना, ये जो रोज इसको करो, यही इसका मतलब, पानी देना मतलब पौधा में, मतलब यही भक्ति अंदर जागरण करना, तभी तो भक्ति रूपी लता तभी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब उनकी अंतिम समय में, जब शरीर छोड़ने वाले भक्तों का बुला करके महाप्रभु कह रहे हैं, आप भी सुन लो महाप्रभुपाद क्या कहते। प्रभुपाद बोले सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, ये अंतिम उपदेश है। इसलिए प्रभुपाद कहते भक्ति में बहुत बाधा आई, कहते यहाँ तक भी देवता लोग भी टांग पकड़ करके खींचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, कारण क्या? बोले देखते एक साधारण जीव भजन करके गोलोक वृंदावन, देवता स्वर्ग में रहते, बहुत नीचे रहते हैं, उसको ऊपर में भूर भूगर मोह जन तप सत्य लोग उसको पार करते हुए बैकुंठ, उसको बाद में अयोध्या द्वारका मथुरा और गोलोक वृंदावन, देवता लोग बहुत नीचे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम करते हैं, महाप्रभु की धारा में जो आए हैं, वो तो कहां गोलोक वृंदावन, महाप्रभु धाम में। इसलिए जब कोई भजन करते हैं ना, देवता लोग भी टांग पकड़ करके खींचना शुरू करते हैं, ये हमसे आगे चले जाएगा, जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया जीवन में जितने बाधा विपत्ति आने पर भी कभी भजन नहीं छोड़ना। इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते थे एक जन्म किसी तरह से ऐसे बिताओ, क्योंकि जो मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुंचे हैं, 84 लक्ष जोनी भ्रमण करते करते, अगर ये मानव जन्म ऐसे खा पी कर चला गया ना, फिर तो ये मानव शरीर तो मिलेगा नहीं, फिर तो ये पशु पक्षी जानवर जीवन में फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम कहते सर पिटते रह जाओगे, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलेगा। देखो पेड़ को देखो, पेड़ भी जीवन है, ठंडा में खड़ा हुआ है, बारिश में खड़ा हुआ है, कोई काट कर ले जाता है, सारे सह करता है। अगर बन जाओ सुअर, नहीं तो बकरी बन जाओ, अब देखना दुकान में कैसे बेचते हैं, पूरा चमड़ा उतार करके बेच रहे, पूरा चमड़ा उतरा हुआ मुर्गा कहीं बन जाओ, गला को घोट देंगे। इसलिए कहते भैया भजन नहीं करोगे तो ये जीवन में जाना पड़ेगा तुमको, फिर ये जीवन में जाना पड़ेगा तुमको। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। इसलिए जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो, हरिनाम करो, ठीक है ना।
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक जीवन हरिनाम करते हुए बिताओ, यही हरिनाम करेंगे अगले जीवन में भगवान तुम्हें बढ़िया जन्म देंगे, बढ़िया घर में जन्म लिया। देखना गर्भ से ही भक्त घर में आओगे, गर्भ से ही भक्त घर में आओगे, जन्म से ही हरिनाम सुनने को मिलेगा तुमको। हैं भगवान ऐसे अच्छे घर में जन्म दिया करेंगे, भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति हर जीवन में भक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान जो शुद्ध भक्तों के साथ में महाप्रभु धारा में जुड़े हो, ठीक है, और खुद भक्ति करो। और एक बात करना, दूसरों को भी कथा सुना, दूसरों को कथा सुना। जब तक आप दूसरों को कथा नहीं सुनाएंगे ना, तुम्हारी भक्ति भी दृढ़ नहीं होगी। देख लेना, जो व्यक्ति दूसरों को कथा सुनाते हैं उसकी भक्ति भी बढ़ती है। देख लेना, जो दूसरों को कथा सुनाती है ना उसको भक्ति स्वयं बढ़ेगी। क्यों? तुम दूसरों को बोलोगे तिलक पहनो, गला में कंठी तिलक लगा, हरिनाम करो, अगर तुम बोलोगे तो खुद तुमको बाधा देगा, बोले तुम करता कि नहीं, तुम करता कि नहीं, पर तुम स्वयं करोगे। क्यों भैया? उसको तो बोलते हरिनाम करने के लिए, खुद तो करे। अब देना जो कथा बोलेगा ना, हरी कथा सुनाएगा, देखना अपने आप तुम्हारे भजन भी सही होगा। इसलिए क्या करो, कथा सुनाओ, ठीक है ना। हाँ, हरी कथा सुनाओ दूसरों को। जो प्रभु गुरुदेव बोलते ना, जब अगली बार आओ एक एक व्यक्ति दस दस व्यक्ति को लेकर आओ, गुरुदेव कहते थे। अब गुरुदेव कहते थे कब दस व्यक्ति को लाओगे, कथा जब सुनाओगे तब तो लाओगे। इसलिए अगली बार जब मैं आऊंगा, मैं एक एक व्यक्ति को पूछूंगा, दस दस बात छोड़ दो, मैं देखूंगा एक व्यक्ति कम से कम एक नया भक्ति जैसे बनाया नहीं, भक्त जैसे नया एक भक्त को मैं देखूंगा, ठीक है। कौन नया व्यक्ति बनाएगा? हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ सबके से। अरे हाथ उठाओ तभी तो बोलोगे, बोले गुरु जी को हमने हाथ उठाया था, कम से कम एक नया व्यक्ति तो बनाए, फिर क्या होगा, फिर नया भक्त बनाओगे तो। इसलिए मेरे जो गुरुदेव थे ना भक्ति से, सिद्धांत गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक व्यक्ति, उनका नाम था आश्रम महाराज, उनके अंदर में इतनी लिखाई पढ़ाई नहीं था, लेकिन गुरुदेव उनको सन्यास दिया। गुरुदेव सन्यास दिया। गुरुदेव बोले तुमको पता है कि उनको सन्यास दिया, क्योंकि दुकान में भिक्षा के लिए भारत में जाता था भिक्षा लेने, लेकिन भिक्षा की छलना में भिक्षा तो लेते थे, सबको कथा सुनाते थे, जो मुनि महाराज आए और जितना ब्रह्मचारी हमारे आश्रम महाराज लिख लिखा है। इसलिए इतने लिखा पढ़े नहीं थे, लेकिन बड़े मीठी मीठी कथा बोलते थे, सबको भजन की बात करते थे, भजन भक्ति की बात करते थे। इसलिए गुरुदेव बोले, इसलिए मैंने इनको ये दिया, जैसे ठाकुर की चरण में जैसे एक फूल चढ़ा, देखना एक दो दिन बाद में फूल मुरझा जाते, मुरझाएगी नहीं, लेकिन जब किसी व्यक्ति को भक्ति में लाओ ना, भक्ति में लाओ, वो ऐसे के फूल है, वो मुरझाएगा नहीं, वो दिन प्रतिदिन खिलता रहेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे मैंने इसलिए इनको सन्यास दिया, ये जीवंत पुष्प को उन्होंने ठाकुर के चरण में लाए, जीवंत पुष्प को लेकर के आए। और कृष्ण कहते सबसे बड़े जो मैं जिसको पर कृपा उसको पर कृपा करता हूँ, सब जीव मेरे जीव है, जो मेरे भक्ति में ले आता है ना उसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, ठीक है ना। प्रभुपाद कहते एक व्यक्ति को भजन में लाओ तो कोटी कोटि हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज बनाने पर जो पुण्य, उससे भी ज्यादा पुण्य मिलेगा, ठीक है। मैं तो बोल दिया एक व्यक्ति को लाओ, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे दो दो तीन तीन भक्त बनाने के लिए, और मेरे को बताना, देखो महाराज जी हम ये व्यक्ति को नया लाया है, ठीक है ना, मैं इसको फिर पुरस्कार दूंगा, ठीक है। हाँ देखो हमारे जो सुबल प्रभु जी जो उनको लाए ना, सुबल प्रभु जी किसी भक्तों को बनाया, इसलिए उनका स्वभाव आप देख लेना, जिसको देखे ना रास्ता भी कोई व्यक्ति उसको भी कथा सुनाते, तभी उन्होंने कुछ भक्तों को जुड़े हैं। इसलिए महाप्रभु यही कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको ही कृष्ण कथा बोलाओ, नहीं बता पूछो तेरे घर में क्या हो रही है, सास वो भी बनती की नहीं, झगड़ा ऐसे हम बात नहीं करना है, करना है तो भक्ति करता कि नहीं, हरिनाम करते कि नहीं, भजन करते, ठीक है। अगली बार मैं देखूंगा कौन कितने फूल को ठाकुर के चरण में लाया, ठीक है। गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल, हरे कृष्ण, ठाकुर आरती करेंगे ना, ठाकुर जी आरती। आप लोग कभी इंडिया आओगे ना, इधर सुन लो, आप जो कभी इंडिया आओगे देखोगे, जब हम जो कथा करते हैं, हाँ कितने लोग को हम भक्त बनाते हैं, कितने लोग, हरे कृष्ण।